फाइंड ऑल द वैल्यूज ऑफ द पैरामीटर ए, कहता है ए का वैल्यू निकालो, जितना भी वैल्यू हो सकता है निकालो। फॉर विच बोथ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कहता है दोनों रूट जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दोनों रूट जो है वो 0 से 3 बिलोंग टू द इंटरवल इतना, दोनों रूट 0 से 3 के बीच में, 0 से 3 के बीच में। तो देखो हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है भाई, वो क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारे पास, है ना। अच्छा देखने से ही पता चला ये लीडिंग कोएफिशिएंट 1 है, तो ये अपवर्ड फेसिंग पैराबोला होगा ऐसा, और दोनों रूट है और बोल रहा है कहां से कहां के बीच में, 0 से 3 के बीच में, याद आया है ना, लोकेशन ऑफ रूट का सवाल है। तो बनाओ पहला कंडीशन बनाओ, इसका कंडीशन क्या क्या होगा, पहला तो ए तो तुम्हारा ग्रेटर देन 0 है ही है, हटाओ। दूसरा बात इसमें पहला क्या कर लेते हैं, डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, डी क्या है तुम्हारा 0 से बड़ा या बराबर है, पहला बात। दूसरा बात क्या आ रहा है इसमें, डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ गया तुम्हारा, अच्छा। और दूसरा क्या है कि ये जो है ये वाला वर्टेक्स माइनस बी बाय 2a ना, ये वाला वर्टेक्स ये 0 से बड़ा होगा और 3 से छोटा, तो 0 लेस देन माइनस बी बाय 2a, तो माइनस बी, तो माइनस माइनस a आ जाएगा, a बाय 2 लेस देन 3, ये 3 से क्या होगा छोटा, दो बात हो गया। तीसरा क्या होगा, 0 है ना, f 0 ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा होगा। और देखो f 3 ये भी 0 से क्या होगा, बड़ा होगा, ऐसा होगा। अब थोड़ा देखो ध्यान से, हम लोग क्या कर रहे हैं, ये 0 से बड़ा होगा, तीनों केस कर लो, तीनों का इंटरसेक्शन ले लो, हमारा आंसर आ जाएगा। तो अब ये जब d ग्रेटर देन 0 है तुम्हारा, तो d ग्रेटर देन 0 बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 4 ए के जगह 1 और c के जगह 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ए स्क्वायर माइनस 8 है ना, ए स्क्वायर माइनस 8 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नहीं, तो 8 को क्या लिख सकते हैं, a माइनस 2 रूट 2 का स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये क्या होगा, देखो यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस क्या गया 2 रूट 2 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0, तो क्या आ जाएगा तुम्हारा, यहां आ जाएगा ए स्क्वायर ऐसा ले लो, ए प्लस 2 रूट 2 इंटू ए माइनस 2 रूट 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा तुम्हारा, देखो यहाँ पे माइनस ए का वैल्यू जो आएगा वो क्या आएगा, माइनस इंफिनिटी से छोटा रूट, छोटा रूट क्या है माइनस 2 रूट 2 यूनियन बड़ा रूट 2 रूट 2 से इंफिनिटी, तो यहां से ए का वैल्यू ये आया। यहां देखो 2 से पूरे को मल्टीप्लाई करो, तो 0 लेस देन ए लेस देन 6, तो ए का वैल्यू कहां से कहां आ रहा है, 0 से 6 तक आ रहा है। अच्छा ये देखो f 0 0 से बड़ा, f 0 रखेंगे तो क्या आ रहा है, 2 तो हमेशा 0 से बड़ा ही होता है, तो यहां पे क्या आ गया तुम्हारा, a पूरा का पूरा यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया। और क्या आ रहा तुम्हारा, f 3 0 से बड़ा होना चाहिए, तो f 3 यहां 3 रखो, 3 जा 9 माइनस 3a प्लस 2 ग्रेटर देन 0, तो 11 माइनस 3a ग्रेटर देन 0, तो 11 ग्रेटर देन 3a, तो a लेस देन कितना रहा, 11/3। अब चलो इसका इंटरसेक्शन, इसका इंटरसेक्शन, इसका इंटरसेक्शन, इसका इंटरसेक्शन करना है, तो a रियल नंबर है ना, भूल जाओ क्योंकि रियल नंबर से छोटा सेट आ रहा है, तो रियल नंबर का कोई काम नहीं अपने को। अभी क्या बोला, ये बोल रहा 0 से 6, तो ये निगेटिव वाला तो कोई काम का नहीं है, 0 से 6 और यहाँ क्या है रूट 2 से इन्फिनिटी, तो रूट 2 से इन्फिनिटी और 0 से 6 में क्या आ गया, रूट 2, 2 रूट 2 से कहां तक आया 6 तक, 2 रूट 2 से कहां तक आया 6 तक, और ये वैल्यू क्या बोल रहा है 11/3 से छोटा, तो 6 से छोटा होता है 11/3, 11/3 3.9 के आसपास आएगा, ठीक है, तो इसका मतलब 6 खत्म। अब क्या होगा 11/3 से छोटा और 2 रूट 2 से बड़ा, तो फाइनल वैल्यू जो ए का आ रहा है वो आ रहा है 2 रूट 2 से बड़ा और या बराबर और 11/3 से छोटा, ये तुम्हारा फाइनल आंसर आया, ठीक है, नोट कर लो।